हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु समिता स्वागत करछि आपण मानको मो ओडिया चैनल ओडिया ब्लॉग इन बेंगलोर रे। केमते अछि आपण माने? मु भल अछि, आशा करछि आपण माने भल रहथिबे। आज बाथरूम भितर वीडियो शूट करूछि, देखंतु एक्चुअली आसीछि एठी, देख पाछन्ते एटा स्टीमर रखा हैछि। आउ मु आसीछि इनहेल करिया पई। वर्तमान त कोविड रो प्रकोप एते अधिक जे दिन जो भी टाइम मिले टी स्टीम करदे भल। आपर ना मुझे सहित ये सेयार करेंपाई जे आपने जितेबाला टाइम मिले कमर टी मैंने ये गोटे स्टीमर जो स्टीमर गुड़ाक आम यूज करे पार्लर में व्हाट एवर ए पा नहीं जातु। पानी में गोटे ड्रप दी ड्रप यूकलिप्टस ऑयल एड कर दिं कर स्टीमटा को इनहेल करूँ। सो यहाँ बहुत भल नाजल पैसेस प्लस थ्रोट पर दुटाक बहुत भल। एम कि आपड़ा असुविधा हम आपे से मुझे झाड़ हो जाइए इग्नोर कर फेस को मुझे वाक करा वाक करके फेरिकी आसिक बर्तमान स्टीम नौ जो बाहर को जाऊँगी कौन से कमरे से फेरिक स्टीम नवाटा बहुत गोटे भल गोटे प्रिकसनारी मेजर। सो मुझे मैंने अनुरोध करी जे आपत बाहर को जाऊँचना से आसिक दुई मिनिट तीन मिनिट पर्यंत ये स्टीमटा को इनहेल कर दिंतु। सो दैट जदि इनकेस कोई कोई कहले जदि इनकेस जदि भाइरस फाइरस जाइथिबो थ्रोट को बा नाजल पैसेज रे रहिथिबो ताले ई स्टीम इनहेलेशन करिया फळले सेटा इनएक्टिव हो जइबो। चलन ताले मु दुई मिनिट स्टीम इनहेल कला पर पुणी आसिक आपमन सहित मिसछि। फ्रेंड्स, जस्ट सरला मोर स्टीम इनहेलेशन गाधी मो अवस्था देखिए आप जानपारे जे मु पूरा एकदम मानने झाड़ में पूरा बुड़ी रही है कारण वाक करी जमी आपली से आसिक इनहेलेशन कली हाथ धोली इनहेलेशन कली जाऊँ बर्तन किचेन को मुझे आज गोटे बहुत बढ़िया रेसीपी बहुत मजेदार रेसीपी सुट करी। सो से कर सारिक गाधी की पूजा करके पुणी आसिक सहित कथा हेबी। ओके चलते रेसीपीटा सुट कर दिए। फ्रेंड्स चलत आज आपण को गोटे बहुत प्रॉन रो बढ़िया रेसीपी देखेबी। देखो पूरा प्रॉन को क्लीन कर बड़ बड़ प्रॉन सेटा को लुण हलदी देकरी मुझे हाल्का करी भाजी देवी है। सो प्रॉन रे आपण माने जदि हेड रखा चाहूँगी टेल रखा चाहूँगी रखिपारे मुझे रखी तापर मुझे कौन कर देखो ये प्लेट रुप सजाड़ी रखी देखूँ जिंज कंचा लंका तापर रसुण आ कंचा लंकार छेचा आउ करी पत्ता आउ चिंगुड़ी भाजिकी रखी आउ गोटे जगह मसला ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी प्याज चॉप्ड प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट आउ चॉप्ड टमाटो देकरी मत करापी जल्दी हम बोले मसला टाक प्रिपेयर करा रखी। देखते हमें कड़े टिके ना तेल नी तेल परिवर्तन आपने घी नहीं पारे जेहतु ये घी रोस्ट प्रॉन मुझे फास्ट ऑयल नहीं एकदम लास्ट को फ्लेवर देवाई घी यूज करी। सो आपड़ी खाली घी में पूरा करा चाहिए करेंगे मोर तेल गरम हाँ भितर मुझे मोर किचन रे क्लोज लुक सब देखा केमती लगुच मो किचेन डेफिनेटली जन कमेंट करी बहुत थर देखी किंतु क्लोजअप रु पूरा डिटेल एपर्तंत देखे पारे मतलब टाइम है डेफिनेटली देखेबी। आपत जानते मोर घर गोटे इनहाउस किचेन चले सो से मुझे सब व्यस्त रहे मतलब बहुत कम समय मिले एक्चुअली किचेन में सुट करने जिते टाइम मिले मुझे सुंदर सुंदर रेसीपी नहीं पड़े आस। देखो आम बर्तमान होगा प्रॉन फ्राए करके हाल्का फ्राए रखी तेल में बर्तमान मुझे रसुण और कंचा लंका को छेचिक रखी थी सेटा को पकेली सेटा को आपन जस्ट गोटे मिनिट पर्यंत फ्राई करेंगे बेसी पोड़ी देवे नहीं बेसी रेड हवा पर्यंत देवे नहीं हल्का फ्राई करने जमी रसुण और कंचा स्मेलटा पड़ेब। सो यटा करापर आप तेल बहुत कम मुझे प्रथम से आउ टे ढाणुची आपको जितकी तेल दरकार से तेल करेंगे स्लो फ्लेम आप कले बेसी तेल बेसी घी कौन प्रकार जिन अधिका लगभग कितु टी धर्य दरकार आउ टे टाइम अधिका दरकार सेपाई। सो यहाँ होगापर आप कौन करेंगे ना जो करी पत्ता रखी जो करी लिवस रखी भुर्सुंगा पत्र सेटा को ताधे पकेबे माँ की ब्यूटिफुल स्मेल फ्लेवर जो कंचा लंका रसुण आउ करी पत्तार फ्लेवर होची बहुत बढ़िया आउ घी रोस्ट प्ले प्रॉन आउ घी रोस्ट चिकेन ए दुटार बहुत बढ़िया माने टेस्ट दिए ए फ्लेवरटा। आपण एकदम सेम प्रोसेस रे घी रोस्ट चिकेन भी बनई परिबे मु जदि केतबेले करूथिबे घी रोस्ट चिकेन आपणमनकु पई शूट करी डेफिनेटली जणे प्रोसेस पूरा एका। देखंतु मो किचन को केमती रखीची मते जेहेतु माने टिके सजिक रखिया को भल लागे मो सेत पई किचन टा को एकदम सबल टिप टप रखिथे ये कम कर सत्वे भी कमी लगे मो किचेन कलर कम्बिनेसन आ मो किचेन डेकर मत जनइबे बर्तमान यहाँ होगा आपर जो भजा ही प्रॉन आपत जीटा दरकार से
ସେତିକିଟା ପକାଇନେବେ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରନ୍, ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସି ପ୍ରନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ବି ମିଳେ, ବା ଆପଣ ଟାଇଗର୍ ପ୍ରନ୍ ଯାହା କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରନ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ସେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମସଲାଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଚପ୍ଡ ପିଆଜ, ତାପରେ ଟିକିଏ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଚପ୍ଡ ଟମାଟୋ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ମାନେ ଭଲ କରି ମାନେ ମସଲାଟାକୁ କଷିକିରି ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ମସଲାଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରନ୍ଟାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ କରି କଷି ନେବେ। କଷି ନେଲା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମର ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍ରେ ଟିକିଏ ସେମି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ହୁଏ, ତ ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ମସଲାଟା କମ୍ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମସଲା ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମ୍ ମସଲାରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଟିକିଏ ମସଲା ଅଧିକା ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି ବା ପରଟା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୋ ବା ନାନ୍ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୋ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ବହୁତ ଛୋଟପଟେ ରେସିପି ହେଇଯିବ। ସୋ ଏଇଟା କଷିଦେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ମସଲାଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ମାନେ କରିକି ରଖିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ହେଇଯିବ, ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ ଏ ରେସିପି, ଆଧିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ନାକୁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି ମସଲା ସେଇଟାକୁ ଧୋଇକିରି ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ନାକୁ ପାଣି ଦେଲି। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ରଖିବେ ସେଇଟା କେତେ ରଖିବେ। ଜେନେରାଲି ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍, ଘି ରୋଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ ସେମି ଗ୍ରେଭି ରଖୁ, ଏବଂ ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବେଶୀ ଏକଦମ କଷା ଭଳିଆ ହେବନି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଣିଟା ଦେଲି, ଏଇ ପାଣିଟା ସହିତ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ମାନେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମସଲାଟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି FDH-ର ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଫ୍ଲେଭର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ରୋଷେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଭଲ ଲାଗେ, ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର, ସେଇଟା ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେବେ, ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ରହିଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଘିଅ, ଖାଇବା ଘିଅ, ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଧର ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ ବା ପୁଲାଉ ସହିତ ଖାଇବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି, ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଘି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ବେଶୀ ଘିର ଫ୍ଲେଭର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆର ନାଁଟା ହେଉଛି ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍, ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଇନି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିଶ୍ ରେଡ଼ି, ତା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଦେଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଉପରେ ଟିକିଏ ନାକୁ ଚପ୍ କରିଆଣ୍ଡର ଲିପ୍ସରେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବା, ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍, ଆଧିରେ କରି ଲିପ୍ସର ଫ୍ଲେଭର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମାଗରମ ପ୍ରନ୍ ଘି ରୋଷ୍ଟ ବା ଘି ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରନ୍ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ ଡିଶ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୋ ସୁଟ୍ ନ କରି ରହିପାରିଲିନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ର ଫ୍ଲାୱାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସିଜିନ୍, ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାରା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ଆସିକରି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ କୁ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଗ୍ରୀନେରୀ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର, ଲୁକ୍ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଚାଲୁଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ପୁରା ଉପରେ ନା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ୱାକ୍ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ସେଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ,
आज मत टाइम मिली बहुत दिन है घर आपन को देखनी घर टे सब चेंज चेज कर भाविली ए घर टाक सन्ध्या टे के देखा जाम घर आपण सहित सेयार करी आपण को भी भल लगे ना सन्ध्या जितेबाद आम ठाकुर पाखे पूजा कर धूप हरिका देद घर गोटे पजिटिट आसला भाया लगे घर जितेबाद लाइट फाइट सब अन हो जाए ठाकुर पाखु धूपर गंध आस थाए घर टा बहुत भल लगे। सो आज ठीक से ही समय बर्तमान सन्ध्या सतटा है मुझे पहरिका देकर आसली भाविली जे घर टाक को देखे दिए देखो ये मुझे चेंज कर आगुरी देखी मोर ये राइट ऑफ टा ता तले वुडन रो ब्यूटीफुल स्टैच्यूटा रखी ता तले वर्ली फ्लोटिंग फ्लावर्स रखी केमती लगुच मतलब डेफिनेटली कहे ये गोटे मोर स्मॉल चेंज यहाँ जमी आप जानते कर्णटा हूँ मोर ब्रास कर्णर घर आठ मोर मैंने मतलब यहाँ गोटे मैंने भारी भल लगे ये मिरर टा आप देखुं ये बहुत थर मो वीडियो रे कही मिरर टा मुझ अमेजन रू कि मोर यहाँ सबुठ फेवरेट मिरर आम घर जिते मिरर लगी मो पुअर रूम रे मैंने देखा गोटे गोटे जोड़े झलक। सो यही जगार बहुत जगह देखे पारे आप जगह आम मास्टर बेडरूम रे लुक आप देखिए मो फोटो वॉल भी यूँ देखा मो शो केस बहुत दिन आप देखनी शो केस कौन चेंज चेंज कर डिटेल्स आपको देखेबी यहाँ हूँ आपने जमी आप चिरपरिचित मोर लिविंग रूम हजबैंड ये बस का सहित गोटे कथा हो सो मुझ भाविली जे यगटा भी आपको देखे दिए ये बसिक झूलार झूलुँ टे रिल्क्स करूँ बहुत मानने गरम लगुच बांगालोर में बर्तमान सतटा बेले टेम्परेचर अच्छी 32 degrees सेंटीग्रेड जाणी बांगालोर में दिनक दिन एत टेम्परेचर बढ़ुच्छी कहीं बट संध्या बेले बहुत भल लगे घरटा आमर मत बहुत भल लगे आपंती लगुच मतलब कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनइबे यहाँ हूँ मैं आक्वारियम आक्वारियम गोटे सेपरेट वीडियो थे करी आक्वारियम क्लीनिंग आपने डेफिनेटली देखी थे जो देखी था मुझे लिंक प्रोवाइड करी आप जाकर डेफिनेटली देखु। सो यहाँ हूँ आम टी एरिया में मुझे गुटे आर्टिफैक्ट्स टी एपट सेपट कर चेंज कर डिटेल्स जो जहाँ चेंज कर किसी दिन पर पूरा वीडियो रे देखेबी ये भी जो प्लांटा रखी थी से प्लांटा भी चेंज कर गोटे प्लांट रखी मझे मझे मतलब ग्रीन जो इंडोर प्लांट गुड़ाक रोटेट कराया पड़े कारण जो गुड़ा घर भितर अच्छे से बाहर को निए बाहर प्लांट गुड़ा घर को आने यहाँ हूँ गोटे छोट नजारा संध्या बेलर आम घर आशा करेफिनेटली एंजय करेंगे। आज गोटे बहुत खुशर दिन आज एक्चुअली आम आसीचु कावेरी घर को कावेरी हूँ मो फ्रेंड वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स। सो से डाकी डिनर पर किसी क्लीप मुझे सुट करकी पसबल हम समस्त कैमेरा सामना को आनी पारुनी कारण समस्ते फ्री हो कैमेरा सामना को आसवापाई। सो कौन करवा जी पसबल हम से आप सुट करी आपके देखी मो सांगर घर तो आपतु कहतु मत के सुंदर इंटीरियर कर किचन में देखु ये जो ब्राइट येलो आउ ह्वैट कम्बिनेसन लैमिनेट ता किचन में यूज होती। सो यहाँ हो गला रेनोवेट कर 5 years तरह हो गला मत तार किचेन टा बहुत स्पेसीयस लगे एक्चुअली किचेन आर यूटिलिटी दुटा को सी मिक्स करके किचेन टाक बहुत बड़ कर देती। सो किचन टा बहुत सुंदर लगे मतलब तार देखते आप देखा किचेन टा ए समस्त बस ड्रइंग रूम में कथबार्ता होती। सो यहाँ हूँ तार डाइनिंग एरिया थीम तार हूँ ब्लू आउ तार डाइनिंग टेबुल टा हूँ रेड यहाँ कावेरी एक्चुअली सी तो वर्तमान होस्ट ना से गेस्ट मान को पूरा चर्चा करिवार व्यस्त एटा होची तार गेस्ट रूम एटा को ता हस्बैंड वर्तमान वर्क फ्रॉम होम रहिचन जेतु ऑफिस रूम बढ़िया यूज करचंती एटा रा थीम होची तार मैक्सिमम स्काई ब्लू। सो मु ता घर रा किछि किछि पोर्शन आपन मान को शूट कर छी आपन मान देखन तो मो सांगर घर केमते लागिला आपन मान को एटा बहुत पुरुणा माने हे गलानी ऑलमोस्ट माने 16 17 इयर्स रा फ्लैट किंतु 5 इयर्स तळे से सेटा शूट कर छी देखते मुझे आपको हाई कौच मिरर में मत बहुत मानते भल लगे घर मत मुझर को बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने जाऊ तार पुओ एवं मो पुओ सेम सेम एज्र एवं सेम स्कूल बिशप कॉटन बॉयज स्कूल एकाठी एलकेजी रू पढ़ी सो आम मैंने बहुत क्लोज देखो यहाँ हूँ आम डिनर स्प्रेड कौन कौन अच्छी जानते डिनर स्प्रेड अच्छी पुलाउ आपण पूरा देखा गोटे गोटे करलाउ अच्छी सालाड अच्छी तापरे बेंगली डाल तड़का अच्छी तापरे चिंगड़ी मलाई करी अच्छी तापरे चिकन लबाबदार अच्छी तापरे चटनी अच्छी तापरे पराठा अच्छी
सो एटा होची आमर डिनर स्प्रेड, एटा होची बंगाली चटनी, एटा होची प्रॉन मलाई करी, एटा होची चिकन लबाबदार, एटा होची हाँ बोली आइए आपण मानको याकु गोबी पोस्तो माने फुलकोबी पोस्तो दिया है करी कराई छी जोटा बंगाली मानकर गोटे भारी ऑथेंटिक डिश। एटा होची आमर पीस पुलाव, आउ एटा होची डाल तड़का, आउ एटा होची आमर क्रीम सलाद। सो ओ माने पटेल लाड़ बोलानी देखिकिरी बहुत बढ़िया लागिला, पेटे पूरा पूरा पेट भरिकिरी खाइलु। एठी गोटे जोटा स्टील फोटो आम नहीं सीटा को अटाच करदे, आज दिन बहुत बढ़िया कटिला। आपको आशा कर भिड बहुत भल लगी, जब भल लगे मो भिड को लाइक न कर एकदम जीवे नहीं सेयार करेंगे आपर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मान सहित, आउ मो भिड को सब्सक्राइब करदे, पाखे जो बेल आइकन अच्छी ताको क्लिक करके अल् नोटिफिकेशन अन् करदे, सो दैट जितेबले भी भिड मो चैनल भिड ब्लॉग अपलोड करी आप नोटिफिकेशन आसपी पुणी देखा हम बहुत जल्दी आपण सहित आउ एक नुआ भिडे से पर्यटन। नमस्कार, जय जगन्नाथ।